आखिरकार कनाडा के झूठ का पर्दाफाश हो ही गया। दुनिया के सामने भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का झूठ उजागर हो गया। रूसी मीडिया चैनल आरटी ने ट्रूडो और उनके खालिस्तानी प्रेम को दिखाया है। म्यूजिक पर डांस करते एक लड़के को जस्टिन ट्रूडो बताया गया है, वहीं लड़के के डांस को एंजॉय करते दो लोगों को खालिस्तानी अलगाववादी बताया गया है। खुद जस्टिन ट्रूडो ने कबूल कर लिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। कैप्शन में लिखा गया, भारत विरोधी रिपोर्ट के बाद ट्रूडो के घर के अंदर, उसके पास मूव्स तो है लेकिन सबूत नहीं। यूएस डिसिप्लिन होता हुआ दिख रहा है। यूएस कह रहा है कि पन्नू केस में भारत के साथ जो कोऑपरेशन है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जो भारत ने इन्वेस्टिगेशन किया हम उससे सेटिस्फाइड। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने तीखा हमला किया है। भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों का जो नुकसान हुआ है उसका क्या, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। ये कनाडा का प्रधानमंत्री कनाडा की पार्लियामेंट में जाके ये कहता है कि भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया, और अब कह रहा है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मामले को लेकर रूसी मीडिया ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया कि टिट फॉर टैट, कि पाकिस्तान ने भी क्या कुछ किया था, इन्हीं उग्रवादियों को सपोर्ट किया था, आज वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। जिस दिन कनाडा को ये चीज समझ आ जाएगी, यानी कि ये कनाडा का प्रधानमंत्री कनाडा की पार्लियामेंट में जाके ये कहता है कि भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया, और अब कह रहा है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने इतना बड़ा इल्जाम एक दूसरे सॉवरेन नेशन पे मैंने एक इल्जाम लगा दिया, भारत जैसा बड़ा देश, बड़ा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी देश के ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगा दें, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना आपने कोई प्रूफ शेयर किया है। अब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें, इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है, कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। अब ये कोई सेंटेंस होता है, आप बताइए इज दिस अ सेंटेंस, इज दिस इवन अ ग्रामेटिकली करेंट सेंटेंस, क्या है इसमें। और ये ट्रूडो लगातार ही इज डबलिंग डाउन, कह रहा है नहीं मरवाया बिल्कुल। अच्छा, वहां पर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें अमित शाह जो गृहमंत्री हैं भारत के और रॉ ये इन्वॉल्व है। रॉ जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट करती नहीं है भाई, अमित शाह जी को रॉ थोड़ा ना रिपोर्ट करती है, रॉ इज नॉट अंडर द होम मिनिस्ट्री, रॉ इज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विच इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आप कह क्या रहे हैं, मतलब कि आप देखिए, मैं वही इनसे कहता हूं आप इल्जाम लगाओ, पूरा इल्जाम लगाओ, जी भर के इल्जाम लगाओ, लेकिन कुछ रिसर्च कर लो इल्जाम लगाने से पहले, है ना। आपने किसी टीवी स्टूडियो में जाके आपने कोई प्रोग्राम देखा और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं किसी और चीज को लेके, किसी और टीवी स्टूडियो आप पहुंच गए, किसी और दुकान से आपने सामान खरीदा, सामान खराब निकला, आपने दूसरी दुकान में जाके उसको गाली दे दी। एक पांव हुकूमत से बाहर है, एक हुकूमत के अंदर है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे सरवाइव किया है अभी 2 हफ्ते। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से टक्कर लेने के लिए उसने युद्ध का ऐलान कर दिया, ऊपर से मजाक कर दिया, कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा, आपकी इकॉनमी दुनिया की 10वीं इकॉनमी है, उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है, आपकी इकॉनमी 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है, उनकी इकॉनमी जो है वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर का, आप किस तरह सैंक्शन उन पर लगा सकते, होमवर्क ही कर लेते, किसी बच्चे से कैलकुलेटर मांग लेते भाई कि यार मैं क्या बात कर। फिर उसके बाद उन्होंने जी हमेशा भारत की गवर्नमेंट जो है वो पुलिस उनसे प्रूफ मांगती रही है, प्रूफ नहीं दे पाए, पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 4 बंदे बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे। फिर उनकी जो एक मिनिस्टर है खातून वहां से, उन्होंने जो 5 आई कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट की अपील की, वो कौन कौन से, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, यूके है, इस तरह के, किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भारत से अपने रिलेशनशिप खराब करने का अंदिया नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है प्रूफ होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, प्रूफ इनके पास नहीं।
चले। अब उसके बाद इन्होंने अमेरिका से अपील की कि आप हमारी मदद करें। वो कैसे मदद करें? तीन अटैक हो चुके हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप पे, जो सदर रह चुका है और जिसने आगे सदर बनना है उसके ऊपर तीन अटैक हो चुके हैं। दूसरा, जस्टिन ट्रूडो साहब को मैंने देखा है दो चार दिनों के अंदर स्पीचें उनकी, बार बार उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि ये कोई भी नहीं चाहता, ये बड़े खराब हालात हैं, ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है कोई अच्छे उसमें नहीं हुई और ना ही हम अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी जो मजबूत जमहूरियत है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेसी है और कैनेडा के इंडिया के साथ डीप कनेक्शन है। तो इससे देखें ये पता चलता है कि कैनेडा जो कर रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन साथ में उसको इस बात का अफसोस भी है और साथ में उसको ये भी पता है कि पायन आगे होन कुछ नहीं वाला, क्योंकि इससे पहले जब जब ये दोनों मुल्कों के कंट्रीज में ये हुआ है तो कनाडा अपनी बात, जो अभी कनाडा ये कह रहा है, अभी भी कनाडा जो धमकियां दे रहा है कि वो ये वाला जो है किस्सा ये लेकर जाएगा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, G7 में और अमेरिका के पास लेकर आएगा, तो प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इससे पहले करके देख लिया है। इससे पहले मुझे याद है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन खड़े थे इसी काम के लिए, जस्टिन ट्रूडो थे, शायद डॉक्टर जयशंकर थे या मोदी साहब थे, कोई थे, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई, बल्कि इसी के लिए कोई मीटिंग हो रही थी और उसके ऊपर ये वाली कोई बात ही नहीं, जब यानी सामने आए एक प्रेसर जो होता है सबके सामने आकर उसके अंदर कोई बात नहीं की उन्होंने इसकी, और फिर ये कहा गया कि ये कनाडा के लिए जो है ये बड़ा वो है, एक सेटबैक है कि उसने कोशिश कर ली पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से कहता रहा भाई जो कनाडा है वो पूरी दुनिया से कहता रहा है कि देखो इंडिया ने क्या किया है, देखो इंडिया क्या कर रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कनाडा की नहीं सुनी गई थी, तो क्या अब सुनी जाएगी? शायद जस्टिन ट्रूडो को ये मालूम है कि अभी भी नहीं सुनी जाएगी। तो हुआ यूं दोस्तों, पन्नू का असैसिनेशन प्लॉट के बाद यूएस गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट आया कि एक इंक्वायरी कमेटी भारत में बैठाई जाए, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने इंडाइक्टमेंट में साफ साफ लिखा है इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नाम नहीं बताया गया किसी का, CC1 करके ही डायरेक्ट किया गया और कहा गया कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही एक असैसिनेशन प्लॉट प्लान किया था, उसको डायरेक्ट किया था। फिर क्या हुआ, भारत में भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, काफी ज्यादा इससे रिलेटेड यूएस ने इंटेलिजेंस भारत को दिया और कुछ ऐसे एविडेंस थे जिसके बाद हमें इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ी और ये इंक्वायरी कमेटी भारत में काम की और फिर ये Washington DC 15 अक्टूबर की बात है जब वो ट्रैवल करके गए, जिसके बाद अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टिगेशन तब से पहले भी चल रहा था और उसके बाद यूएस में जाके इन्होंने केस को डिस्कस किया, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो यूएस को दिया और यूएस के पास जो इन्फॉर्मेशन है हमने उनसे लिया। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैटर किस प्रकार से शांति से सॉल्व होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, किसी को सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें यहाँ से सब लेके जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, तो यूएस ने कल कुछ कंफर्म किया। पहला कहा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर, जो आप देख रहे थे वीडियो में भी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बड़ी ही प्रोडक्टिव मीटिंग थी, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हाँ जो CC1 की आप बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल अब भारत सरकार के लिए काम नहीं करते, भारत ने ये उनको कह दिया है, बाकी हम बहुत सेटिस्फाइड हैं जो भारत ने हमें कोऑपरेशन दिया है, हमारे साथ जो किया है आगे भी हम इनके साथ काम करेंगे, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं जो वो कोऑपरेशन किए हैं और हमें इसी प्रकार से अपडेट किया उसके लिए भी अप्रिशिएट करते हैं और वैसे ही हम भी हमारे एंड से जो इन्वेस्टिगेशन होगा उनको भी अपडेट करते रहेंगे। और पता नहीं इनको कोई शर्म भी किसी को नहीं आती, 45,000 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं गाजा में, वहां ह्यूमन राइट्स कहां है? और किराए पे दे दिए आपने ह्यूमन राइट्स। दूसरे, तुम जहां आपका दिल होता है वहां, अच्छा एक और मजे, यहां जब मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में पढ़ता हूं तो जस्टिन ट्रूडो का पीरियड, इनके वालिद पीरियड, उनके हालात भी यही थे, वो भी ये अब उसका भी नंबर काटने को फिर रहे हैं। वहां उस वक्त एक परमार साहब थे जो के कैनेडियन हवाई जहाज के दहशत गर्दी के उसके उसमें इन्वॉल्व थे, ये उनको भी हवाले भारत के नहीं करते थे, जिनको बाद में भारतीय पुलिस ने पंजाब में काउंटर करके मारा था। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए गए, सिर्फ 6 किए गए। चले,
लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है, आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकॉनमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया, उसकी वजह भी यही थी, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था, लोग बेजार हैं। चले जाति दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा मैं इसकी हाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा दो चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है। हमारे पप्पू गांधी आए थे वहां पे, उल्टी सीधे बातें करके गए थे, मैं खुद आई विटनेस गवाह हूं इस चीज का, जब भी भारत गया हूं, हरमंदर साहब गया हूं, मेरे भाइयों जैसे भाई जो है खुद सरदार है, मैं मुझे नजर नहीं आता कि द सिक्स आर हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए, ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। हाँ, या एक जरूर बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त शरारत करने वाले, तीली तेल के ऊपर तीली फेंकने वाले सारे यूके बैठे हैं अमेरिका, यही रवाज है खालिस्तान का भी, खालिस्तान बनाने वाले सारे यूके या कनाडा या दूसरे मुल्कों में है, वहां नहीं बैठे, बोर हो जाते हैं तो फिर इस तरह की शरारत। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर एक बात मैं जरूर एससीओ के बारे में कहूंगी कि बेशक मोदी जी नहीं आए, लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, और बरखा दत्त अगर ये बात कर रही हैं लाहौर बैठ के, तो वो तो खुद भी इस्लामाबाद नहीं आई थी, वो तो लाहौर में ही रही, वो उन्होंने तो एससीओ मीटिंग अटेंड नहीं की है। नहीं, वो तो हो सकता आई, बरखा दत्त के रिलेशनशिप है शरीफ फैमिली के साथ, हो सकता पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ आई हूँ, वो ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें बात ये मैं करना चाहूंगा ना, इस वक्त मोदी साहब को कह रहे हैं जी लाहौर में बैठ कर के आप आ जाएं, मोदी आपको जरूरत है मोदी साहब की, या आप मोदी साहब को आपकी जरूरत है, पूछने वाला क्वेश्चन मैंने तो जवाब ये दिया था ना। देखे ना आपने, देखे प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआ प्यासे के पास जाता है, जरूरत आपकी है, बैंकरप्ट आप है, 24 दफा बैंकरप्ट हो चुके, आपको IMF जो है बेल आउट करता है, भारत बेल आउट, वो तो बैंकरप्ट नहीं है ना। आपको ट्रेड की जरूरत है, आपको रिलेशनशिप आपको है, आपको चाहिए था कि आपके दूसरे, आपने हर एक को रिसीव किया है एयरपोर्ट पे जाके, तो जाके आपके वजीरे खारजा को वजीरे खारजा रिसीव करता ना भाई। लेकिन अमेरिका के साथ इंडिया कोऑपरेट कर रहा है, इंडिया कनाडा को लिफ्ट नहीं करा रहा, जो कल इंडिया कनाडा के हाई कमिश्नर ने कहा था कि इंडिया कहता है एविडेंस दो, हमने एविडेंस दे दी है, और अब इंडिया की जवाब आके वो हमें बताए, और वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो मुसलसल कितनी देर से इंडिया के साथ रابطے में, लेकिन इंडिया में बता नहीं रहा। ये कैनेडियंस का वर्जन है, व्यू इज स्टोरी है, ठीक है जी। अब कनाडा ये भी कहता है कि अमित शाह जो है उसने ये सारे वायलेंस जो है अगेंस्ट खालिस्तानियों के उसके बारे में कहा, ठीक है जी। और ये चीज जो है ये अजीत दोवल को उन्होंने रिप्रेजेंट की। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि ये दोवल साहब करा रहे हैं, लेकिन कनाडा कहता है कि ये अमित शाह करा रहा है, ठीक है जी। और इट मींस के अगर अमित शाह करा रहा है तो अमित शाह विदाउट अजीत दोवल साहब की सपोर्ट के या मर्जी के तो नहीं करा सकता ना। या ये है कि अमित शाह वजीर आजम एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो ये लगे हुए थे, ठीक है, इंडिया के जो सीक्रेट सर्विस है वो लगी हुई है, या रॉ के लोग लगे होंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। अब इंडिया बार बार एक ही चीज कह रहा है, रियल एविडेंस नहीं है, बट क्या हैज इंडिया सेंड इट्स पीपल टू कनाडा द वे इट सेंड टू यूनाइटेड किंग यूनाइटेड स्टेट्स? ये 15 अक्टूबर को वो जा रहे हैं ना, आज कितनी है 15, आज ही मेरा ख्याल जा रहे हैं वो, ठीक है। सो इंडिया जो है वो अपने लोगों को आज ही भेज रहा है अमेरिका, ठीक है। अब ये जो डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं डिटीरियरेशन है, अब क्या जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर सवाल किया गया सैंक्शंस का, क्या सवाल करेंगे? आर दे गोइंग टू सैंक्शन अमित शाह? ये एक सवाल है। अगर वो अमित शाह को सैंक्शन करते हैं एज ए इंडिया के होम मिनिस्टर, क्लोज एड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी भाई। देखिए ट्रूडो की जो एक स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि वो तमाम 5 Eyes एंड G7 के साथ बोल सकता है। G7 में चलो इटली है, जापान है, और बाकी वो है क्या नाम है उसका यार,
फ्रांस है, वो तो बोल सकते हैं। सुरैना ने यूके के पीएम केयर स्टार्मर से भी बात की है, बाकी भी वेस्टर्न वर्ल्ड से वो इन टच है। सो एक जिसे कहेंगे ना, ट्रस्ट मी, एक समझ नहीं आ रही यार, वैसे होगा क्या इसका फाइनल नेट कंक्लूजन क्या निकलेगा, समझ नहीं आई इस चीज की फाइनल नेट कंक्लूजन क्या निकलेगा इसकी समझ नहीं आई अभी तक। क्या कर सकते हैं? जी सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, बेहतर ही नहीं करना। जितने लोग इधर खड़े हैं इन सब से पूछ रहे हैं, इन सब के जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था दोस्ती की तरफ। एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दी। उसके बाद उन्होंने किया क्या है? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर गए हैं। और इंडिया की तरफ से मैं कहता हूं बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तान ने जो उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखे ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखे, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख लें, वो ये वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो पूजा करते हैं, वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना, ठीक है, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इधर इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते।